नमस्कार, मैं हूं साक्षी मित्तल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। माल्या के लुकआउट नोटिस में बदलाव पर सीबीआई ने मानी गलती। सीबीआई ने लुकआउट नोटिस में बदलाव पर गलती मानी है। माल्या के नोटिस को हिरासत में बदलकर सिर्फ सूचना देने में बदला गया था। सीबीआई ने कहा कि विजय माल्या के खिलाफ 2015 में लुकआउट सर्कुलर में बदलाव करना एरर ऑफ जजमेंट था। लुकआउट नोटिस में बदलाव की वजह बताते हुए सीबीआई ने कहा कि उस वक्त माल्या जांच में सहयोग कर रहे थे और उनके खिलाफ कोई वारंट नहीं था। जेल से रिहा हुआ चंद्रशेखर, बदल सकता है पश्चिम में सियासी समीकरण। भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण 15 माह जेल में रहने के बाद गुरुवार की देर रात रिहा हो गया है। इस रिहाई को सियासी गलियारों में खास अहम माना जा रहा है। यह रिहाई पश्चिम उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को भी बदलेगी। रावण को साथ लेने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई बड़े नेता भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जेल में उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी। अब जेल से रिहा होने के बाद रावण किसको अपने साथ लेता है और किसको नहीं, इसी पर सभी सियासी दलों के रणनीतिकारों की निगाह लगी है। डूसू में एबीवीपी ने अध्यक्ष समेत 3 पदों पर लहराया परचम, एनएसयूआई को सिर्फ 1 पद। डूसू में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव के पद पर एबीवीपी कब्जा जमाने में कामयाब हो रही है, तो वहीं सचिव पद पर एनएसयूआई ने जीत दर्ज की है। एबीवीपी के अंकित बैसोया अध्यक्ष, शक्ति सिंह उपाध्यक्ष, ज्योति चौधरी संयुक्त सचिव और एनएसयूआई के आकाश चौधरी सचिव का चुनाव जीते हैं। फ्लोरेंस तूफान से हिला यूएस, बना हुआ है परमाणु खतरा। फ्लोरेंस तूफान ने अमेरिका में भयंकर तबाही मचा रखी है। तूफान के कारण मूसलाधार बारिश और बाढ़ का खतरा बना हुआ है। एहतियातन तटीय इलाकों के आसपास रहने वाले करीब 10 लाख लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया गया है। वहीं तूफान के चलते अमेरिका में कुछ जगहों पर इमरजेंसी का भी ऐलान कर दिया गया है। अमेरिका बोला, भारत की एनएसजी सदस्यता में सिर्फ चीन बाधक। अमेरिका ने कहा है कि भारत सिर्फ चीन के विरोध के चलते अभी तक परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी का सदस्य नहीं बन पाया है। भारत इस समूह की सदस्यता पाने के सभी पैमानों पर खरा उतरा है। ट्रंप प्रशासन की एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अमेरिका इस वशिष्ठ समूह की सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन करना जारी रखेगा। हम भारत की सदस्यता के लिए सक्रियता के साथ पैरवी करते रहेंगे। इमरान खान ने आईएसआई के तारीफों के पुल बांधे, पाकिस्तान की फर्स्ट डिफेंस लाइन बताया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान पहली बार शक्तिशाली जासूस एजेंसी आईएसआई के मुख्यालय गए और उसे देश की फर्स्ट डिफेंस लाइन बताया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई के वरिष्ठ अधिकारी ने वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों के साथ इमरान खान को विभिन्न सामरिक, खुफिया और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एसबीआई ने दिया तोहफा, अब खाते में नकद पैसे जमा करने पर खत्म हुई लिमिट। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को एक सौगात दे दी है। अब बैंक के ग्राहक अपने खाते में पैसा जमा कराने के लिए सभी प्रकार के लिमिट को खत्म कर दिया है। बैंक ने अपनी तरफ से बयान जारी करके कहा है कि वो सभी लोगों को इस तरह की सुविधा देने जा रहा है। इसके साथ ही चालू खाता धारकों के लिए भी बैंक ने नई सुविधा शुरू की है। अब चालू खाता वाले ग्राहक भी प्रतिदिन 2 लाख रुपए अपने खाते में जमा करा सकते हैं। धरती के सबसे तेज दौड़ने वाले उसेन बोल्ट ने जीरो ग्रेविटी में भी मारी बाजी। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार के धावक उसेन बोल्ट बिजली की गति से दौड़ते हैं। धरती पर वर्तमान में उनसे तेज दौड़ने वाला इंसान और कोई नहीं है। उसेन बोल्ट ने शून्य गुरुत्वाकर्षण में रेस लगाई और वहां भी बाजी मार ली। ओलंपिक के 8 गोल्ड मेडल अपने नाम करने वाले उसेन बोल्ट एयरबस के 0G प्लेन में सवार हुए थे। इस प्लेन में जीरो ग्रेविटी यानी कि शून्य गुरुत्वाकर्षण का माहौल बनाया गया था। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हार के बाद टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री की आलोचना। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 1-4 की करारी हार के बाद टीम इंडिया के चीफ कोच रवि शास्त्री की कड़ी आलोचना हो रही है। इसी साल भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ शिकस्त झेलनी पड़ी थी और अब नवंबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे तथा अगले साल होने वाले आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर टीम इंडिया के कोच पर बड़ी जिम्मेदारी है। सुई धागा की टीम
टीम ने बनाया इको फ्रेंडली गणपति बप्पा। वरुण ने ट्विटर पर किया ट्वीट, पूरा देश गणपति उत्सव मनाने जा रहा है। ऐसे में बॉलीवुड स्टार्स ने भी अलग अलग अंदाज में गणपति के साथ अपनी फोटो शेयर की है। आने वाली फिल्म सुई धागा की टीम ने गणपति को इको फ्रेंडली लुक दिया है। टीम ने धागों और ऊन का प्रयोग कर गणपति बनाया। गणेश उत्सव के साथ साथ फिल्म का स्पेशल अंदाज में प्रमोशन हो रहा है। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ लाइव।